नमस्कार, इस वीडियो में हम आपको अगस्त 2020 के दौरान भारत में लॉन्च होने वाली 5 सबसे प्रतीक्षित कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। किया सोनेट भारतीय बाजार में सबसे प्रतीक्षित मॉडल में से एक है, जो भारत में 2020 ऑटो एक्सपो में अपनी शुरुआत के बाद से है। एक बार भारत में लॉन्च होने वाली किया सोनेट को ह्यूंडई वेन्यू, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजर और फोर्ड इकोस्पोर्ट जैसे प्रतिद्वंद्वियों को लेने के लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में तैनात किया जाएगा। सेल्टोस और कार्निवल लॉन्च के बाद किया सोनेट दक्षिण कोरियाई कार निर्माता का तीसरा मॉडल होगा। किया सेल्टोस और कार्निवल के समान सोनेट एसयूवी भी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक ही कारखाने में निर्मित होगी। किया सोनेट में हुंडई वेन्यू के समान इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प होने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स कुछ समय से भारतीय बाजार में एक नया एंट्री लेवल एसयूवी पेश करने पर काम कर रही है, जिसे एचबीएक्स कहा जाता है। टाटा एचबीएक्स भारतीय बाजार के लिए उनकी आगामी माइक्रो एसयूवी का लगभग उत्पादन तैयार कॉन्सेप्ट है, जिसे 2020 में एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। एक बार नई टाटा एचबीएक्स लॉन्च होने के बाद महिंद्रा के यूवी 100 और यहां तक रेनॉल्ट क्विड और मारुति सुजुकी एस्प्रेसो जैसे विरोधियों को मजबूत प्रतिस्पर्धा देने की उम्मीद है। नया टाटा एचबीएक्स देश में ब्रांड के उत्पाद लाइनअप में नेक्सॉन के नीचे स्थित होगा। हुंडई एलीट i20 देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में से एक है। प्रीमियम हैचबैक का मुकाबला देश में मारुति सुजुकी बलेनो और टाटा अल्ट्रोज से है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नई पीढ़ी के एलीट i20 का खुलासा हुआ है और जल्द ही भारत के लिए भी अपना रास्ता बनाने की उम्मीद है। नई हुंडई एलीट i20 को पहले ही कई मौकों पर देश में परीक्षण के लिए देखा जा चुका है। नई एलीट i20 हैचबैक पूरी तरह से नए डिजाइन के साथ आई है, जो पहले की तुलना में अधिक आधुनिक और स्पोर्टी लग रही है। प्रीमियम हैचबैक भारतीय बाजार के लिए वेन्यू एसयूवी से एक ही इंजन साझा करेगी। रेनॉल्ट ने 2020 ऑटो एक्सपो में कई अन्य मॉडलों के साथ डस्टर का प्रदर्शन किया। हालांकि यह रेनो डस्टर 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित किया गया था, जो 154 bhp और 260 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क पैदा करता है। टर्बो पेट्रोल चालित रेनो डस्टर को शुरू में अप्रैल में बिक्री पर जाने की उम्मीद थी, हालांकि लॉकडाउन के दौरान इसकी योजनाओं में देरी हुई थी। अब कई रिपोर्टें हैं कि रेनॉल्ट डस्टर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट अगस्त में भारतीय बाजार में बिक्री के लिए जाने की उम्मीद है, जिसकी सटीक तारीख का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। नया टर्बो पेट्रोल इंजन हालांकि पहले ही 2020 निसान किक्स एसयूवी पर भारत में शुरुआत कर चुका है। BMW इस साल अगस्त में भारतीय बाजार में 2 सीरीज ग्रैंड कूपे पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक बार लॉन्च होने के बाद नई BMW 2 सीरीज को 3 सीरीज सेडान रेंज के नीचे स्थित किया जाएगा और यह देश में जर्मन ब्रांड का सबसे किफायती उत्पाद होगा। भारत में आगामी BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे को उसी 2.0 लीटर डीजल इकाई द्वारा संचालित किए जाने की उम्मीद है, जो 320D मॉडल को संचालित करता है। पावर और टॉर्क के आंकड़े भी समान होने की उम्मीद है। हालांकि 2 सीरीज ग्रैंड कूपे की कीमत काफी कम होगी, जिससे यह भारत में अभी तक का सबसे सस्ती BMW है। आशा है आपको वीडियो का यह संस्करण पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।